अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नए दिन के साथ हमारा और आपका साथ एक बार फिर से। तो आज मैं आपके साथ अपना रूटीन का व्लॉग ही शेयर करने वाली हूँ, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट रूटीन से। सैटरडे संडे बच्चों को छुट्टी होती है, तो इसीलिए आज थोड़ा सा लेट हो गए। और अरमान जो है, अरमान का स्कूल सैटरडे को भी ओपन होता है, लेकिन ये कि घर के कपड़ों में जाता है और जल्दी फिर उसको छुट्टी भी हो जाती है। और आज ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे बुखार है, और गला भी मेरा थोड़ा सा ख़राब है, मसल्स पेन भी चल रही हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा मेरी वीडियो लेट नहीं होनी चाहिए, वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, शेयर किया करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और नए जुड़ने वाले सब्सक्राइबर्स को भी थैंक यू सो मच आप सबका कि आप मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का एक बहुत प्यारा सा पार्ट बने, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, बीमार होते हैं ना या कोई प्रॉब्लम साथ में चल रही होती है, तो घर को तो खुद से ही मैनेज करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो वो तो आपके घर, आपके घर को देख लेगी, लेकिन उस तरह से नहीं देखती। हेल्पर होने के साथ साथ आपको फिर उसके साथ साथ में देखना भी उसको पड़ता है कि कैसे वो काम कर रही है, इधर से सही नहीं करी, इधर से नहीं सही करी, तो खुद से फिर वो करवाना पड़ता है। तो ये है कि जॉइंट फैमिली में अगर हम रह रहे होते हैं, कि अगर मेरा घर है तो साथ जो मेरे रह रहा है उसका भी तो घर है ना, तो वो फिर मिलके एक दूसरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बीमारी का ख्याल भी रखा जा रहा होता है। तो इस तरह प्यार और मोहब्बत से तरीके के साथ सारा घर जो है मैनेज होता रहता है, और फिर इतना परेशान भी नहीं इंसान होता। लेकिन ये है कि अगर आप कहें कि इकट्ठे रहते हैं तो लड़ाई झगड़े नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती कि अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं तो लड़ाई झगड़े नहीं होते। जब इकट्ठे रहते हैं तो लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो बस ये है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हम अगर अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो, बहुत उसके फ़ायदे होते हैं। लेकिन हर औरत का ख्वाब होता है कि सेपरेट रहना। और इस पे मुझे ना थोड़ी सी बात याद आई कि ससुराल गेंदा फूल, ससुराल को गेंदा फूल किस लिए कहा जाता है? वो इसलिए कि जो गेंदे का फूल है ना, वो हर मौसम में पाया जाता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, खजां हो, बहार हो, हर मौसम में ये अवेलेबल होता है। तो इससे साबित हुआ कि रिश्ते जो है ना, हर मौसम में, चाहे गम हो, चाहे दुख हो, तकलीफ़ हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, रिश्तों ने साथ कभी भी नहीं छोड़ना। ये हमारे ज़िंदगी के साथ साथ हैं, और ये जो है ना बहुत वैल्यूएबल रिश्ते होते हैं, जिनको हम कभी इग्नोर कर देते हैं। किसी के हालात अच्छे नहीं हैं तो हम छोड़ देते हैं कि इसने हमें क्या देना है, और जो अथॉरिटी रखता है हम उसके साथ चल रहे होते हैं। हालांकि जिसके पास पैसा है या कोई, उसके पास कोई इस तरह की अथॉरिटी है, तो उसने हमें देना तो कुछ भी नहीं है, बस ये हमारे माइंड की बात है कि हमने जो थोड़ा सा कमज़ोर हमारा बहन भाई होता है तो हम लोग उसको पीछे छोड़ जाते हैं। तो ये नहीं है कि अपने बहन भाइयों का हर खुशी में, हर गमी में साथ देना चाहिए, इसका कोई भी मौसम नहीं होता। रिश्ते हैं, बहुत इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और अपने साथ नए जुड़े रिश्तों को और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। और ये गेंदे के फूल की दूसरी बात ये कि इसकी जो एक ये फ्लावर होता है ना, फूल बना होता है, तो इसकी अगर आप एक पत्ती को निकालोगे ना तो सारी पत्तियां बिखर जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही फैमिली भी होती है, अगर एक इंसान जो है ना इधर से निकलता है तो पूरा ख़ानदान बिखर के रह जाता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने घर को किस तरह जोड़ के रखना है। इसीलिए तो ससुराल गेंदा फूल कहा जाता है कि गेंदे की मानद जो फूल है, गेंदे की मानद ये एक ख़ानदान होता है। तो ख़ानदान का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बस ये कि दरगुजर का रखना चाहिए। जब किसी के तरफ से कोई प्रॉब्लम चल भी रही होती तो अपने मुंह को बंद रखें, कोई जवाब नहीं देना। ये तो हमारा दीन भी कहता है कि दरगुजर का आपने मामला करना है, तो इस पे तो बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। और ये एक हुस्ने सलूक में भी आ जाता है, आपने प्यार रखनी है, मोहब्बत रखना है, दरगुजर करना, कोई कुछ कह भी रहा है तो बस आपने सहना है, चुप रहना है, खामोशी के साथ बस मामले को लेके चलना है। तो बस एक ना एक दिन आपको ऐसा मुकाम मिलेगा ना कि सब आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में आपका नाम लेके आपकी जो वो मसालें बयान की जाएंगी। तो इंशाल्लाह वक्त आता है, स्टार्ट का जो वक्त होता है हमारी बेटियों के लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, नए घर में जा रही होती हैं तो हर घर का अपने एक उसूल और कोई कायदे होते हैं, तो उन पे हमें चलना होता है, फिर उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाना पड़ता है। और ये नहीं कि हम कहेंगे जैसे हम सीखे हैं पीछे से वैसे ही हमने आगे भी ले कर चलना है, तो ऐसे नहीं है। हर घर के अपने
जो कायदों कवानीन होते हैं, तो वो उनको देख के चलना पड़ता है। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे को सहेंगे, चुप रहेंगे, खामोशी के साथ वक़्त को गुजारेंगे खुशी खुशी से, तो इंशाल्लाह वक़्त बहुत अच्छा गुजरता है। और फिर ऐसा वक़्त आता है कि एक वक़्त में बैठ के आप उन रिश्तों को याद कर रहे होते हैं। अच्छा, रिश्तों को याद तभी किया जाता है जब वक़्त अच्छा स्पेंड किया हो। तो जब हम फैमिली में रहते ना, तो बहुत अच्छा वक़्त गुजरा हम सब का। और मेरे ना मदर इन लॉ नहीं थी, फादर इन लॉ थे, लेकिन मेरी शादी के 3-4 साल बाद फिर उनका भी इंतकाल हो गया। बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आलम काम अता करे। लेकिन हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी और एक एक साल के वक्फ़े के साथ हम सब की शादी हुई। तो फिर जब बच्चे हुए ना, पहले तो बहुत अच्छा मामले जो है एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रह रहे थे, लेकिन जब बच्चे हुए ना, तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने शुरू हुए, तो फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आपस में लड़ना झगड़ना, कभी लड़ाई हो जानी बच्चों की, और बस ये है कि फिर एक ना एक दिन तो सेपरेट होना ही था। फिर प्लान बनाया कि सब ने अपने अपने घर बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 11-12 साल हो गए इस घर में शिफ्ट हुए। लेकिन घर बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये कि अगर आपको पीछे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सो जो भी हो, घर तो घर ही है। आप चाहे जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ये तो बस समझने की बात है। अगर आप सेपरेट रहते हैं तब भी आपने हर चीज़ को फेस करना है, तो जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो फिर भी बस इस तरह का मामला रखेंगे, दरगुजर करेंगे, तो इंशाल्लाह वक़्त बहुत अच्छा खूबसूरत सा गुजरेगा। अच्छा जी, घर की सारी क्लीनिंग के काम किए और थोड़ी देर मैंने बस 10-20 मिनट रेस्ट की थी, और अभी फिर मैं आ गई किचन में, और आज मैं बना रही हूँ क्रीमी चिकन कढ़ाई। तो इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने 2 अनियन मीडियम साइज़ के ले लिए थे, बिल्कुल बारीक, मैंने इनको कट कर लिया, और मैंने इनको बिल्कुल हमने ब्राउनिंग करना, बल हल्का सा हमने इसको सौते टाइप करना है। फिर मैंने इसके अंदर टमाटर 2 डाल दिए और सब्ज़ मिर्चें 5-6 डाल दी। बस हमने इसको सॉफ़्ट होने तक पकाना है, सॉफ़्ट हुए तो हमने इसको ब्लेंड अप करना है। थोड़ी देर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, थोड़ा सा ठंडा होता है फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब हमने उसी कढ़ाई के अंदर चिकन शामिल कर देना, और 1 kg ये चिकन है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसी ऑयल के अंदर हमने चिकन को शामिल कर देना। पहले हमने थोड़ा सा जो साबुत मसाला होता है वो इसके अंदर डालना है, हल्का सा वो क्रैकल हुआ तो उसके अंदर हमने चिकन शामिल कर दिया। चिकन को हमने फ्राई करना है, उसका कलर आएगा, तो फिर हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करना है। तो जो जिंजर गार्लिक की एक थोड़ी सी स्मेल होती है ना, राव सी स्मेल आ रही होती है, उसको हमने ख़त्म करना। अगर वो रह गया ना उसकी स्मेल या महक, तो फिर आपका सारा का सालन जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने ये थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि उसकी अच्छे से आपने बुनाई करनी है, ताकि उसकी जो स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो जो हमने प्याज और टमाटर मिर्चे बना के रखी थी, उसको हमने थोड़ा सा पानी डालना है और उसको हमने ब्लेंड कर लेना है। और पहले तो वैसे करें, अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, फिर मैंने इसके अंदर पानी डाला और इसका हमने पेस्ट बना लेना। थोड़े से मैंने 7-8 बादाम जो है वो उनके छिलके रिमूव करके वो भी इसके अंदर शामिल किए थे, आपको मैंने दिखाया भी था अभी पीछे। तो बस हमने इसको ब्लेंड करके जो इसको अच्छी तरह से हमने जार जो है इसका अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, कुछ भी वेस्ट नहीं करना, जो साथ में लगा था थोड़ा सा पानी डाल के हमने उसको साफ़ कर लेना है। तो अच्छा जी, बुनाई करके फिर हमने इसके अंदर अब डाल दिया है जो नमक, मिर्च और हल्दी, चिली फ्लेक्स मैंने इसके अंदर शामिल की, और साथ में मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल किया। और अब हमने इसकी बनाई करनी है रेड चिली पाउडर, मैंने इसके अंदर नहीं डाला, मैंने चिली फ्लेक्स इसके अंदर शामिल की थी। दही डाल दिया, अब हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकने देना कि अंदर तक हमारा चिकन जो है वो कुक हो जाए। फिर हमने इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड शामिल कर देनी है, चाहे घर में आपके पास है तो वो वाली आप डाल सकते हैं, अगर आप बाहर की मार्केट वाली डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस कढ़ाई जो है हमारी ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी थी, और अब मैंने उसको क्रीम डाल के बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया। और इधर मैं थोड़ा सा मीठा बना रही थी और मैंने सेवइयां पड़ी थी, मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला इसके अंदर, घी में, सॉरी मैं बना रही हूँ, और इसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची शामिल की, थोड़ी सी ये कड़कड़ाई, तो फिर मैंने इसके अंदर सेवइयां डाल दी, थोड़ी सी मैंने बुनाई करके इसके अंदर पानी और शुगर, वाइट शुगर, चीनी जो है वो शामिल कर दी।
अब हमने इसको पकने देना, बादाम और साथ में किशमिश जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। कढ़ाई जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। बड़ी क्रीमी सी यम्मी सी ये कढ़ाई थी, ज़रूर आपने ट्राई करना है। चीज़ें वही होती हैं, बस ये है कि थोड़ा सा मिक्स एंड मैच थोड़ा डालने का तरीका ऊपर नीचे करके, तो उसका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो बस इसके अंदर हमने सूखी मेथी, धनिया, सब्ज़ मिर्चें और साथ में पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना, तो हमारी कढ़ाई डन हो जाएगी। तो आज तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आप देखेंगे मुझे सांस भी आ रहा वीडियो में वॉइस ओवर करते हुए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।